ओलंपिक में जो उसके साथ धोखा होया है नी, एमएलए बनाएंगे 50,000 से जीत रहे। एक साइड में सारे उम्मीदवार, चार पांच उम्मीदवार, एक तरफ अकेले विनेश फोगाट है। वोट का डंका है, वोट का वोट आपको देंगे हम सब कुछ। हरियाणा की जुलाना विधानसभा क्षेत्र में हम है और यहाँ के तमाम लोग जो बैठे हैं पूरी अपनी संस्कृति के साथ, तो हम जानेंगे इनसे इनकी राय क्या। चुनाव हो रहा है हरियाणा में, खासतौर से जुलाना विधानसभा सीट को लेकर के सबका फोकस पूरे देश की निगाह है, तो क्या कहेंगे विनेश फोगाट यहाँ लड़ रहे हैं? यहाँ बनाएंगे एमएलए बनाएंगे 50,000 से जीत रहेंगे। 50,000 से उनके खिलाफ कौन लड़ रहा है, कोई है ताकतवर? बीजेपी वाला और कांग्रेस है, बस दो ही पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने भी पहलवान को उतार दिया है ना, कोई आम पार्टी तो बीजेपी से नाराजगी ज्यादा दिख रही है क्या? इसका ज्यादा दिख रही है, क्या कारण क्या है इसका? कारण क्या है, जमींदार भी खिलाफ है, सर्विस वाले भी खिलाफ, हर एक आदमी तंग है इससे। बदलाव लेना चाहते, सरकार बदलना चाहते, हुड्डा की सरकार लेना चाहते। हुड्डा में क्या खासियत है, इसे कुछ किया खास? पहले भी रहा है सीएम, दो काम करे हैं, पानी दिया है, बिजली दिया, सारी फसल की दी है। तो आप बताइएगा क्या नाम आपका है और क्या स्थिति है जुलाना क्षेत्र की खास तौर से? सबसे पहले ग्राउंड मीडिया ने हमारे गांव वाले को धन्यवाद है। मेरा नाम संदीप है और मैं गांव सुंदरपुर का यहीं का रहने वाला हूँ। हमारी स्थिति विनेश फोगाट का मोल सिर्फ एक तरफा बिल्कुल है, एक तरफा। हाँ, एक साइड में सारे उम्मीदवार है, चार पांच उम्मीदवार, एक तरफ अकेले विनेश फोगाट है। ओलंपिक में गई थी वहाँ, ओलंपिक में जो उसके साथ धोखा हुआ है नी, आखिरी बाइट मुने थी, तीन मैच जीत के जैसे 100 ग्राम वजन का बढ़ा दिया, उसके बाद उसको वापस निकाल लिया गया, इसका पूरा बदला लिया था, पूरा हिसाब करांगे इसका। तो इसका बदला किस तरह से लेंगे? इसका वोट की चोट मार के बदला लेवांगे इसका। बीजेपी का सख्त बहिष्कार है इधर, सबसे बड़ा इन जो किसान तबका नाराज है, वो नाराजगी सबसे ज्यादा बड़ी वो है और वो लंबी चलेगी। तो किसानों का बड़ा आंदोलन चला था, तो उसका असर अभी इस चुनाव में दिखेगा? अभी बिल्कुल है, जो 750 किसानों ने साथ दी है नी, उसका भरपूर बदला लिया जाएगा। तो लोकसभा में ऐसा नहीं हुआ, वो आधे आधे रह गए लोकसभा? वो तो आधे आधे, कुछ मिस्टेक रह गई, कुछ गड़बड़, कुछ ये मशीन गड़बड़, इसका हार रहे हैं। नई सीट तो लगातार जीतने थे किसानों ने, पहले वोट ना किसान इसकी वोट डाल देता कोई भी, नाराजगी पूरी है प्रति। पहलवानी ने पीटे, सरपंच ने पीटे, जीएसटी नाम पर दुनिया ठगी, फिर नोटबंदी नाम पर ठगी, इन नाम मतलब की भला किसका किया गरीब आदमी का। और इसके बाद अग्निवीर ला दिया, अग्निवीर है जैसे हमारे किसान के बालक फौजी लगे हैं, कोई नेता का किसी अफसर का बच्चा को फौज में लगता नहीं, अग्निवीर है किसान का बालक लगा, कौन अग्निवीर लगेगा? एक उसको डब्बे में बंद करके घर पर पहुंचा देते, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता, तो कैसे वोट दे देंगे इसको? नौकरी भी 4 साल की केवल, 4 साल की नौकरी है, जैसे को फौजी के साथ को लड़की का रिश्ता, वो भी गर्व महसूस कर, मेरी लड़की फौजी, अब तो को फौजी का रिश्ता भी नहीं करता। बीजेपी वाले बोला अमीन को, वो आने के बाद स्कूटी गार्ड लगाएंगे, वो स्कूटी गार्ड से तैयार होने लगे फौजी इधर। वो ये जुलाना गांव है और यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, हम बात करेंगे सब भाई लोगों से। आप बताइएगा कि क्या माहौल चल रहा है जुलाना में? एक तरफ ही है, सुंदरपुर गांव है ये, सुंदरपुर है, एक तरफ ही है फोगाट का। फोगाट का तो पहले तो कांग्रेस नहीं, यहाँ तो वो जेजेपी, कौन सी पार्टी थी वो थी? जेजेपी ने क्या करया, जो मिला वो निंगड़ गया, क्या काम करया जेजेपी का, एक भी दिखा दो कहीं करया क्या। तो सड़कें भी तो बहुत ज्यादा खराब है यहाँ की, सड़क कौन बना दी, टूटी फूटी है, जब भी टूटी फूटी थी। किसानों में किस बात की नाराजगी है बीजेपी के प्रति? हम 13 महीने वहाँ बैठे थे दिल्ली। आप वहाँ बैठे थे दिल्ली में? हाँ बैठे थे। क्या क्या दिक्कतें वहाँ आती थी? सारे डाल की दिक्कत थी, लाइट हमारी कटवा दी, फुहारा हमारे चलवाया, 26 जनवरी को गए जब निर्दोष बालक पकड़े वहाँ, उन पर केस चले, फिर वहाँ छटवाए। और ये जो अमरजीत डांडा था, एक बार भी नहीं हमारे उसमें बीच में जाके बैठा जमींदारों में, बीजेपी में जाकर अपना जो लेना था लूफा ले लिया, देख लो। तो इस सब का बदला लेने का वक्त अब आ गया है। अरे चोट का डंका है, वोट का वोट आपको देंगे हम सब कुछ, ये हमारे काम आओ या ना हो, हम ना पार्टी मतलब हम परेशान है बीजेपी से, हर एक इंसान परेशान है। एक ये तेल और ये सौदा देगा, ये अपने बस में करना चाह रहा है पब्लिक को, मुझे कौन बस में करना चाह रहा है बीजेपी, और कौन करेगा? एक आम आदमी आप भर गया, कभी यही बना दिया, हमारा भी बना दिया, गरीब का भी बना दिया, सब लाइन में लगा दिया, स्थिति क्या बना रखी आपने तो पता, सारा ग्राउंड मीडिया। और भी लोग हम बात कर लेंगे, आप बताइएगा
यहाँ जुलाना क्षेत्र में क्या माहौल लग रहा है? विनेश फोगाट एक तरफ है, एक तरफ बीजेपी के वैरागी हैं, वो कैप्टन रहे हैं, तो क्या मुकाबला दिखता है या मुद्दे क्या है? मुकाबला विनेश फोगाट सबसे आगे है, जुलाना हल्का से विजयी बना के भेजेंगे उसको। विनेश फोगाट एक तरफ है, बाकी सब एक साइड में है। अब भी वो एमपी बनाए थे जो, वो भी जुलाना हल्का ने जिताए हैं, पूरा जुलाना हल्का कांग्रेस के साथ है पूरा जी। तो ऐसा क्या हुआ कि बदल गए अचानक लोग, बदल गए? पहले जेजेपी का था, इस तरह लोग तंग हो गए। हमारा गुआंडी भाई है, कोई दूर का नहीं, गांव में गुआंड में कुछ भी काम नहीं करे, सड़के गलियां सब टूटे पड़े हैं, तालाबों में पानी नहीं, कुछ भी नहीं काम किया, इससे छके हुए लोग। किसानों में बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी है, नाराजगी। बिजली आंधी नहीं, पानी आंधा नहीं टाइम पे, फसल बिकती नहीं एमआरपी पे, तो इसी वजह से किसान नाराज है। किसान वहाँ पड़े रहे कि कितने दिन, कोई सुनाई नहीं, वहाँ उन पर लाठी चार्ज करवा दी, पानी कैनल करवा दिए, तंबू पड़वा दिए। तो जो वो किसान आंदोलन था उसका जो है सबको याद है अभी तक, और चुनाव के समय लेंगे, चुनाव के समय भी उसका बदला लेंगे, वोट डालेंगे। महीना अपना घर छोड़ कर बैठ कर दिखा दो ना, कोई नहीं बैठ सकता। फिर रोड पर पड़ना, बरसात आओ, झड आओ, लाठी ऑटो सब कुछ ऑटो, वो छोड़ के दिखा दो अपना घर। इन्हें तो हमको तो वो बोल रहे के बोल रहे थे खालिस्तानी, हम खालिस्तानी है। किसान एक अन्नदाता है, सबका, गरीब का, अमीर का पेट भरता है, और हमको खालिस्तानी बोल रहे, इसको कहाँ से आओगा खाने को? तो ये अंबानी अंडानी तो बना दिया खास में जमींदार हमारे पिछवाड़े में बगा के, ये तो एक नू बना रहा सबको, मजदूर बना के रखो, ऐसे थोड़ा होगा। तीसरा दिन दाद में बैठे चलते हैं, ये आम पब्लिक पे पड़ता होगा बहुत, अभी अपने घर से लेता है इतना पैसा, सारी व्यवस्था खराब कर दी इसने बीजेपी ने। आप अपने बंदे कहीं भी इसका, बीजेपी का कोई भी करता या एमएलए कोई भी काम करता या नुकसान में आता उसकी दिखाते हैं। अरे और आप मेरे तेरे वर्गे केजरीवाल वर्गे छाए छूट कर भगा दिए, कोई सरकार है क्या? तानाशाही बना रखा है सारा सिस्टम, तानाशाही बना। परेशान होगी ना कि नहीं होगी ये बताओ। मैंने आप तो सारा ग्राउंड मीडिया मान रहे हो, आपने पता भी है कितनी पब्लिक खुश है, कितनी नाराज है, सिर्फ एक सरकार की वजह से है। उड्डा है, उड्डा ने क्या गलत काम करा भाई? जेजेपी बना था, वो उठा के उसमें कूद गया दुष्यंत, वो तो जाकर के मिल गए बीजेपी से। कर भूख थी उसको, किस चीज की भूख? पैसे की भूख थी, और क्या थी? हमने अपने लेवल से बना के जिता दिया, और हुड्डा ने बोल दिया था तू डिप्टी बन, सीएम बन, तो हमारे मिल जा। बीजेपी में जाएगा कौन सा तीर मार दिया भाई इसको? जब भी डिप्टी रहे हो, ये मदान साफ हो गया इसका, अंडे जागा दड़ा अंडा, ये भी कुछ नहीं, इसको जेजेपी को फाका नहीं, कहीं नहीं, जुलाना चले जाओ, उचाना चले जाओ, कहीं चले जाओ, बाकी नू है बैठे हैं, फोटो खींचे हैं, और ग्रुप में जोड़ दे, हम इतने बंदे से मिल जाए, उन बंदे से मिल के तो देखो क्या बात हुई है, फोटो तो आप भी डाल दोगे हमारा, पता लग गया जब उसके साथ जिसके साथ फोटो खींचा उसे बात कर भाई क्या बात हुई थी, पूरा गाँव में अंडे हाथ क्या था, कुछ भी ठीक है भाई तारा है, लेकिन ये बोले। भारत की बेटी जो ओलंपिक में निराश हुई थी, वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि सीधे सीधे कड़ी टक्कर दे रही है सारे उम्मीदवारों को, और विनेश फोगाट कुछ ही देर में इस सुंदरपुर गांव में भी आने वाली हैं और लोगों से सीधा संवाद करेंगी। हिमांशु त्रिपाठी, ग्राउंड जीरो स्टोरी, सुंदरपुर, हरियाणा।